नमस्कार श्रोताओं, हिंदी पॉडकास्ट की सेवा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम ये पॉडकास्ट जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। आज की कहानी एक जातक कथा है जिसका शीर्षक है चांद पर खरगोश। कहानी इस प्रकार से है, बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में चार दोस्त रहते थे, खरगोश, सियार, बंदर और उदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। उदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आ गया। सियार दही से भरी हांडी लेकर और एक मांस का टुकड़ा। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था लेकिन खरगोश को कुछ नहीं मिला और न ही कुछ समझ में आया कि वह क्या दान करे। उसने सोचा, अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उसके तीनों मित्रों ने उससे पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची, तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुँचे। पहले सियार, बंदर और उदबिलाव ने दान किया, फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुँचे और कहा, तुम क्या दान करोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्र देव ने वहाँ अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देख कर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्रदेव यह देख बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी, मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से यही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं और इसी तरह चांद तक पहुँचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुँच गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। तो कहानी बहुत ही छोटी थी, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।